नहीं सर, आप राजद से भी जुड़े रहे हैं, जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं, तो आज क्या नौबत आई कि आप एक अलग रास्ता तलाश रहे हैं जनसुराज? सर प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि जो आपको उन लोगों के साथ अपना मजबूती बनाना है जो लोग भाजपा के अगेंस्ट हो, जो हिंदू भाजपा को नहीं वोट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो और सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों? राजद एक टिकट देता है, 1% 2% वाले को हेलीकॉप्टर को घुमाता है, मुस्लिम नेता को घुमाने में उसको शर्म लगता है। किशोर जैसे कि कह रहे थे मैडम बी टीम नहीं है, हमें बी टीम साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा तो वो विपक्ष दलों को पहुंचेगा, चाहे इंडिया होम ले ले तो उनको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं इससे ऑटोमेटिकली भाजपा को फायदा मिल जाएगा। देखिए आज जो है हज भवन में मुसलमान समाज के सभी लोग मौजूद थे और आज जो है इन लोगों का एक मुद्दा था बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान, ये मुद्दा लेकर यहाँ पे बातचीत की बैठक हो रही थी और मुख्य गेस्ट के तौर पे प्रशांत किशोर की मौजूदगी थी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद हैं मुनाजिर हसन जी भी। वजह ये था कि कोई अल्टरनेटिव है नहीं, कोई मुसलमान विकल्प की तलाश में है, यही वजह है कि इसी से कार्ड पर इतने लोग जमा हो गए। अच्छा। तो एक कार्ड दिया, न किसी को शासन दिया न किसी को कुछ दिया, सिर्फ एक दावतनामा, वो भी मोबाइल पर, उसका इतने लोग जमा हो गए। कहीं ना कहीं सर आप राजद से भी जुड़े रहे हैं, जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं, तो आज क्या नौबत आई कि आप एक अलग रास्ता तलाश रहे हैं जनसुराज? इन लोगों ने ठगने का काम किया, हम तो वहाँ भी लड़ाई लड़े, लालू यादव से भी लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार से भी लड़े, और लड़ करके अगर हम जी हुजूरी करते तो हमें भी रोड पर नहीं रहते, इसलिए प्रशांत किशोर जी के साथ हम जुड़े हैं कि हमको अंधेरे में दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है और सारे लोग इसी उम्मीद पर यहाँ आए हैं। सर प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि जो आपको उन लोगों के साथ अपना मजबूती बनाना है जो लोग भाजपा के अगेंस्ट हो, जो हिंदू भाजपा को नहीं वोट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो और सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों? अरे प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, राजद एक टिकट देता है, 1% 2% वाले को हेलीकॉप्टर को घुमाता है, मुस्लिम नेता को घुमाने में उसको शर्म लगता है, तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम हर जगह हिस्सा देंगे, न सिर्फ टिकट में बल्कि हम संगठन से लेकर के बोर्ड निगम हर जगह हम हिस्सा देंगे और आपकी कौम आगे बढ़ेगी। जो भी नई पार्टियां आती हैं इसी तरीके की बात करती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, कहीं ना कहीं एक समय में जब आप आरजेडी से जुड़े होंगे तब भी इसी तरह की बातें की गई होगी कि आपको जो है हिस्सेदारी दी जाएगी, तो फिर कैसे विश्वास करेंगे? हम आरजेडी से जुड़े इसलिए कि जब हम आरजेडी में MLA बने तो आरजेडी के पास कोई, हम आरजेडी में थे भी नहीं। तीन बार तो आप मुंगेर से भी रहे, चार बार रहे, सात बार जी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प मेरे अलावा नहीं था। अच्छा। उन्होंने हमको घर में बुला के टिकट दिया आरजेडी वालों ने, तो हम वहाँ रहे। कहीं ना कहीं आपका सम्मान किया गया तभी तो आपको बुला कर टिकट दिया गया ना सर, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े पहलवान को हराना था और पहलवान को हम ही हरा सकते थे, इसलिए हमको बुलाया गया। मतलब ऑप्शनल थे आप लोग वहाँ पे, आपको जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा था, ये कहना चाहते हैं? पूरे कौम को सम्मान नहीं मिल रहा है, हमने कहा नहीं कि 1% 2% 2.5% वाले को 5-5 6-6 टिकट मिलता है, हम लोग 19% हैं, आज हम लोगों को 2-2 टिकट मिलता है उसको भी हरवा दिया जाता है, भाई भाई में लड़वा दिया जाता है। एक अहम सवाल उठता है, प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा का बी टीम नहीं है, लोग हमें बी टीम साबित करने में तुले हुए हैं, लेकिन अगर अगर सर ये पूरा सवाल, नीतीश कुमार तो एक टीम है, उनके साथ कई मुसलमान रहा, नीतीश कुमार तो खुल्लम खुल्ला भाजपा के साथ,
उनके साथ मुसलमान क्यों रहा है? तो अभी भी तो कई मुस्लिम है, इनफैक्ट मुस्लिम वोट भी इस बार तो वहाँ हैसियत उनकी क्या है? एक बराइल की हैसियत है। कैसे समझाएंगे आप अपने मुस्लिम कौम के समाज के लोगों को कैसे समझाएंगे? समझाएंगे उनके बीच में जाएंगे, उनके बीच में जा करके अपनी बात को रखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर जैसे कि कह रहे थे, मैंने सवाल पूरी नहीं की थी पिछली बार, कि हम बी टीम नहीं है, हमें बी टीम साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुँचेगा तो वो विपक्ष दलों को पहुँचेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे तमाम जितना भी है विपक्ष, पूरा इंडिया होम ले ले तो उनको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं इससे ऑटोमेटिकली भाजपा को फायदा मिल जाएगा, फिर वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा, तो फिर कैसे फायदा मिलेगा? कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं तो एनडीए को फिर इंडिया को नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। तो क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में इंडिया के साथ जाएंगे या समर्थन देंगे अगर परिस्थिति वैसी बनी? आने वाले समय में क्या होगा, अभी जो बात बोल रहे हैं वो हम लोगों के लिए अपीलिंग है और हम लोग का साथ मांग रहे हैं, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जाएंगे। विकल्प नहीं है इसलिए प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, और अगर विकल्प कहीं और मिलता है तो फिर वहां भी जाएंगे? कोई विकल्प नहीं है, 35 साल हम लोग देख रहे हैं, 35 साल में क्या मिली है? 35 साल से हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मुनाजिर हसन थे, बेगूसराय से पूर्व सांसद भी रहे हैं और उसके अलावा 7 बार ये MLA भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। हमने साफ तौर पे पूछा कि आखिर प्रशांत किशोर की ओर मुसलमानों का रुख क्यों है, उन्होंने बताया कि हमारे पास विकल्प नहीं है और प्रशांत किशोर हमें हमारी हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रशांत किशोर की ओर रुख कर रहे हैं। हम अपने मुस्लिम कौम के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आए और इन्हें मजबूती दे, लेकिन क्या मुस्लिम समाज के लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। 2025 का चुनाव आने वाला है और प्रशांत किशोर जी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम सभी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव कैसे होता है। हमने ये भी पूछने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर की वजह से अगर विपक्ष को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं पक्ष यानी कि NDA को फायदा होगा, जिस पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखना ये है कि क्या वही होता है या फिर बदलाव होता है। सारी तमाम खबर आपको दिखाएंगे। आप लाइव ब्लॉग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।